गुड आफ्टरनून, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। और आपको बता दूं कि इस वक्त दी लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है वैदिक विलेज में, जहां सेनकॉन 2023 का जो है फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस रखा गया है। और यहां काफ़ी सारे जो है न्यूरो से जुड़े हुए तमाम जो हैं कंपनीज़ जो है पार्टिसिपेट की है, और उसमें एक बड़ा ही अहम नाम जो है आपको बता दूँ कि दानिश सर्जिकल, उनके जो है ओनर तनवीर आलम साहब। आइए उनसे बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका प्रोडक्ट किस किस चीज़ों पर काम कर रही है और कैसा क्या काम होता है। साहब, वेलकम टू दी लोकल जर्नलिस्ट, कॉन्फ्रेंस में आए हैं, बेहतरीन कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है और क्या कहना चाहेंगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में? ये मैं 2008 से मैं ये कंपनी अपने स्टार्ट किया हूँ, और मैं इससे पहले दूसरी कंपनी में जॉब करता था। देन उसके बाद मैं काफ़ी दिनों तक स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद मैं इम्प्लांट्स का काम स्टार्ट किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके लास्ट में J1 कंपनी का भी प्रॉपर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। रिगार्डिंग ये हमारा इम्प्लांट्स जो है न्यूरो सर्जिकल में आपका स्पाइन ऑर्थोपेडिक्स में भी ये इसको बोलते हैं, तो हमारा पेडिकल स्क्रू है जो लंबर स्क्रू है वो स्पाइनल इंजरी होने के बाद स्टेबलाइजेशन के लिए ये यूज़ होता है। एंड देन सर्वाइकल डिस्क है, उसके लिए सर्वाइकल स्पेसर वगैरह है, उसके ऊपर ये सारा फिक्सेशन होते हैं स्टेबलाइजेशन के लिए, ताकि पेशेंट का जो डिस्क निकल जाता है उसके बाद वो फ्यूजन हो जाए, ताकि दोबारा वो कॉर्ड पे कंप्रेस नहीं करे। ये सब सारे हैं इम्प्लांट्स में। सब हमारे व्यूवर्स को समझने के लिए थोड़ा सिंपल में बताएं कि कहाँ पर क्या डिस्क होता है और किस तरीके का जो इम्प्लांट होता है, छोटा छोटा। इसके लिए एनाटोमिकल ये है, तो इसके लिए तो यहाँ पर तो सारा कुछ है नहीं जो मैं आपको क्लेरिफाई कर सकूँ। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, देखिए ये सब स्क्रू वगैरह जो है, ये तमाम ये स्क्रू जो है लंबर लिसिस हो जाने के बाद लंबर जो स्पाइन है हम लोगों का, उसमें लंबर स्पाइन कौन सा हुआ सर? जो लास्ट हड्डी होता है हम लोग का L5-S1 एंड देन L4-L3-L2-L1 लंबर रीजन में ये स्क्रू यूज़ होते हैं, जहाँ पे आपका डिस्क काफ़ी बड़ा है उस स्टेबलाइजेशन के लिए इसको फिक्स करके देन पूरा डिस्क निकाल दिया जाता है। ये देखिए, ये मैं इंटरव्यू देना इसके ऊपर मेरा मौजू नहीं होगा, बट फिर भी मैं एनाटॉमिकल थोड़ा बहुत जानता हूँ, बोलिए डॉक्टर का इंटरव्यू है प्रॉपरली। लेकिन हम लोग इम्प्लांट्स बिक्री करते हैं, सेल करते हैं, डॉक्टर लोग पर जाकर यूज़ होता है वो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ये न्यूरो सर्जिकल में ही आता है, ये स्पाइन फिक्सेशन उसमें यूज़ होता कुछ है। ये देखा जाता है कि कमर में, जैसे कि वो बताया जाता है उनका वेन जो है वेन दब जाता है, हाँ, रूट में डिस्क निकलने के बाद ही कंप्रेस होता है, तो डिस्क निकालने के लिए स्पाइन काटने पड़ता है, फिर उसके बाद लैमिना है, इसलिए वहाँ पर ऐसे वहाँ का बोन जो है काफ़ी कट जाते हैं, जिसके लिए ताकि बाद में वो फैसेट अनस्टेबल नहीं हो जाए, उसके लिए लेटरली फ्यूजन किया जाता है स्पाइन पेडिकल स्क्रू एंड रॉड देकर। तो बेसिकली आपकी जो कंपनीज है वो तमाम तरह की जो है टूल्स ये सब प्रोवाइड करती है ना? हाँ, ये ऑल यहाँ पे हमारे जो न्यूरो सर्जन बड़े बड़े हैं कोलकाता में और यहाँ अपोलो वगैरह जो जो बिगेस्ट हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सब जगह हम लोग सप्लाई करते हैं। पर्टिकुलर किसी डॉक्टर का तो नाम इसमें सबमिट नहीं कर सकता हूँ, बट ऑल बिगेस्ट सर्जन है एंड स्पाइन सर्जन है कोठारी वगैरह हर जगह पे जो यूज़ होता है। जो भी हाँ, पार्क क्लिनिक है, ये ऑर्गेनाइज़र जो है प्रोफेसर संदीप चटर्जी, वो भी हमारा प्रोडक्ट J1 का यूज़ करते हैं। J1 मेरा ब्रांड है और डिस्ट्रीब्यूटर दानिश सर्जिकल। अच्छा, दानिश सर्जिकल है। तो और क्या क्या चीज़ों पर आप लोग काम करते हैं? हमारा और भी ब्रेन का भी इम्प्लांट्स वगैरह, जैसे डिप्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, उसके बाद जैसे क्रैनियल मेश वगैरह आता है, आर्टरी एनरिज्म होता है वो फट जाने के बाद उसका क्लिपिंग आता है, वो भी हम सप्लाई करते हैं कोलकाता में, एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मैं सप्लाई करता हूँ, CMS अप्रूव हूँ कुछ प्रोडक्ट। तो देखा जाता है कि ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि काफ़ी जो है बहुत ही हाईली ये हैं, देखने को लग रहा कि बहुत एडवांस चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और जी जी, अभी एडवांस काफ़ी आ चुका है इम्प्लांट्स में, पहले नहीं था, एक ज़माना था, बोलते हैं लोगों से, मैं सुना न्यूरो सर्जन लोगों से कि मतलब पहले लेमिनेक्टोमी करके ही लोग छोड़ देते थे, जिसके कारण जैसे काफ़ी बेड रेस्ट रखने पड़ता था पेशेंट। अभी क्या है, मोबिलाइज करने के लिए फिक्स करो, देन सेकेंड थर्ड डे अब पेशेंट को वॉक कराओ, ये करो सर, इसके लिए फैसिलिटी दिया जाता है। तो आहिस्ते आहिस्ते जो है चीज़ें डेवलप करते हुए नज़र आ, काफ़ी डेवलप हुए हैं, अभी काफ़ी डेवलप है हमारे इंडियन प्रोडक्ट में, अभी जो मेरी कंपनी है काफ़ी इम्प्रूवमेंट है अदर्स
कंपनियों से। एक चीज़ बताया जाता है दानिश, तनवीर साहब के काफ़ी कॉस्टली होते हैं ये सब चीज़ें। नहीं नहीं, हमारे इंडियन पॉपुलेशन जैसे पुअर पॉपुलेशन है, यहाँ पे कुछ बिगेस्ट लोग हैं तो कुछ बड़े लोग तब के हैं, तो उसमें जैसे इंडियन रेंज अच्छा है, क्वालिटी वाइज इज़ वेरी गुड। हम लोग इम्पोर्टेड कंपनी से भी कंपेयर करते हैं, बट किसी कोई कोई है कि नहीं इम्पोर्टेड लगाऊंगा तो इम्पोर्टेड भी यूज़ कराते हैं कुछ कुछ सर्जन पेशेंट पार्टी से लोग। अच्छा, लेकिन बट अदरवाइज हमारा इंडियन कंपनी जियोन इज आवर इज़ वेरी गुड क्वालिटी कंपनीज। जियोन जियोन आवर पल्लाकड़ केरला कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वहीं पे है। दिख रहा है यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े मशीनरीज रखी हुई हैं चीज़ें, ये सारे इंस्ट्रूमेंटेशन है उसके लगाने का है। इम्प्लांट्स तो छोटे से होते हैं, बट उसका लगाने का, उससे पहले ऑल होता है, स्टार्टर होता है, उसके बाद जो स्टार्टर देन ऑल, उसके बाद ये सब करने के बाद टैप है वगैरह, साउंड जो 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 सामान लगता है उसके लिए सब ट्रे रखे हैं। थैंक यू वेरी मच तनवीर सर हमारे साथ। वेलकम फॉर कम विदिक विलेज। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपका ये जो है बिजनेस और बेहतर चले और भी लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा दरियाफ्त। स्किन ग्लोज इन टू वेज, ए यूजिंग फिल्टर्स और बी वाटर। बहामास, feel the freshness of water all over again। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, born to win, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।